शुक्रवार को जनपद शिक्षा केंद्र भितरवार में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विशेष आवश्यकता वाले अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जनसेवक श्री मोहन सिंह राठौर जी के मुख्य आतिथ्य में किया गया, जिसमें ग्वालियर से आए हुए अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एवं मनोरोग विशेषज्ञों के द्वारा पंजीकृत हुए छात्र छात्राओं का परीक्षण कर उन्हें प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए, जिसमें कुल 17 छात्र छात्राओं को उपस्थित चिकित्सीय दल द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए, तो वहीं 24 छात्रों को उपकरणों के लिए चिन्हित भी किया गया। आपको बता दें कि जिला शिक्षा केंद्र से मिले निर्देशों के आधार पर जनपद शिक्षा केंद्र भितरवार पर लगाए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर का शुभारंभ शिविर में पहुंचे मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जनसेवक श्री मोहन सिंह राठौर जी, श्री नारायण सिंह जाटव, जिला शिक्षा केंद्र से उपस्थित एपीसी कृष्णा अग्रवाल, पीआरसीसी नरहरि मिश्रा द्वारा किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि श्री मोहन सिंह राठौर जी ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार जरूरी है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी समाज का अभिन्न अंग हैं, इसलिए उनके साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करें, उन्हें दैनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ कौशल का भी ज्ञान दें और इनके प्रति सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे कि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में अपने आप को असहाय महसूस ना करें। साथ ही बच्चों के साथ आए अभिभावकों को भी मोहन सिंह राठौर ने प्रेरित किया है। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे सभी विकलांग बच्चों को या विकलांगता से परेशान लोग आए हैं। मैंने अभी डॉक्टर साहब से भी बात की है, सीएमएचओ से बात की है। हम लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुविधा दरबार में मिले इसके लिए कैंप कराया था, लेकिन जो मेरी दृष्टि से इस कैंप में केवल 3 सर्टिफिकेट बने और वो अपने आप में अधूरा कैंप है, इसलिए इस कैंप को दोबारा लगाने की जिसमें कि सारी मशीनें आए, विकलांगता से संबंधित, न्यूरोलॉजी से संबंधित सारे डॉक्टर्स आए, ऐसे कैंप की दरबार में आवश्यकता है। उसकी हम अगली तारीख पर बात करेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री से बात करेंगे, हमारे जो वरिष्ठ नेता है, और उस कैंप की फिर व्यवस्था करेंगे। आज ये कैंप जो है वो पूरी तरह से मेरी समझ में जनता के हित में काम नहीं कर पा रहे। टीम है वो जो टीम है, तो आप मेरे को टीम है ऐसा नहीं हो सकता है, सर गेम लगे और हेड नहीं होता सर, यही होता है टीम है जो सीनियर है उसको इस बारे में मैं जब सुनवाई कर रहा था तमाम सारे रेवेन्यू ट्रांसफर डिपार्टमेंट की, वहाँ मुझे बता रहा है कैंप का एक का नहीं बन रहा है, मेरे पास रुका है, सबको मैं आया हूँ वो आ गए आपके सब में अजीब धर्म का जाओ ने डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आदर जी की बात पर गहराई दे।